यहाँ देख सकते हैं जी हम लोग बॉर्डर इलाके में, वहाँ पर वहाँ पर फेंसिंग, तो अच्छा रहा, सफल हो गया हमारे यहाँ पर आना है जी। मजा आ गया, बहुत मजा आया। हम आ गए हैं यह गांव जिसका नाम है रोड़ा वाला, पर जो है पीछे सरसों का खेत है। तो जिया यहाँ पर आई, कहे कि कुछ रील शूट करना है, चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं वहाँ पर। यहाँ से फेंसिंग पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं जूम करके दिखाते, ये देखिए जी, देख रहे हो फेंसिंग, वो है रेलवे ट्रैक और ये सीधा जाएगी पाकिस्तान। भाई साहब बता रहे हैं कि उधर के लोग पतंग बहुत उड़ाते हैं, तो कई बार बॉर्डर से जो है पतंगे इधर आ जाती, वो पतंग जो है, लेकिन जब डिफेंस वालों को पता चल जाता है उन पतंग के बारे में, तो वो पतंग को लेकर के चले जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, जो भी सिक्योरिटी रीजन हो। तो इस तरह का कुछ कुछ इंसिडेंट है जो इनसे सुन रहे हैं कि यहाँ लोकल में यह सब होता है, तो मजा आ रहा है सुनने में। बाकी जा रहे हैं इनकी फैमिली से मिल रहे हैं, वहाँ भी थोड़ा घुलेंगे मिलेंगे बातचीत करेंगे। सबसे अच्छा यह लगा कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिया कह रही थी मुझे खाना है मक्के की रोटी सरसों के साग, मक्के की रोटी का तो भाई साहब ने इंतजाम कर दिया, क्योंकि सरसों के साग में थोड़ा टाइम लगता है तो शायद उसमें दिक्कत हो जाए, लेकिन इन्होंने उसका भी इंतजाम कर दिया। किसी ने लिया के ना, इस छपड़े में बहुत बड़ी नदी है, कुआ है, इसमें फेंकी थी ना, ऐसे जैसे फेंक दी मैंने, ठीक है, फैलता फैलता ना ऑल, सभी जितना भी ये गिरा हुआ है ना, पानी है इसके नीचे। भाई साहब लाया कहाँ से था जो किसी ने फेंका था? अरे यार किसी ने ऐसे ही पता नहीं कहाँ से लिया, कहाँ से फेंक दिया और पानी में जो जानवर रहते हैं, देखो पानी कहाँ से पियेंगे, जो आसमान से परिंदे उड़ते हैं वो भी इधर ही पानी आके पीते हैं, अच्छा कहाँ से दिक्कत आ रही है। ओके ओके जी, ये देखो हम लोग की तरफ इसको गोईठा बोलते हैं, तो यहाँ हम लोग का गोईठा होता है पतला जैसा और लंबा जैसा, यहाँ गोल गोल एकदम बड़ा जैसा, हमारे बोल रहे पाथी, पाथी बोलते हैं आप लोग, आपके इधर क्या बोलते हैं? गोईठा बोलते हैं हम लोग, हमारे इधर बोलते हैं पाथी, हमारी राजस्थान में शायद सुना मैंने द्वार पे मारते हैं, वही है हमारी साइड है, वही हमारी साइड है बिहार में। आगे हैं जी बॉर्डर किनारे गांव में, और उस गांव का घर आपको दिखाते हैं किस तरह का घर है, किसी एक घर में, और किचन देख सकते हैं, कुछ नहीं है, इतने किचन में हमारे दिल्ली में तीन कमरे बन जाएंगे, तीन रूम बन जाएंगे हमारे दिल्ली में। अरे बाबा इतनी छोटी होती है, बिल्कुल। और यहाँ देख सकते हैं जी रूम कितना बड़ा है, अच्छा खासा स्पेस है जी रूम में, पंखे वंखे, अच्छा ये जो मंगवाते हैं फर्नीचर सब, ये सब कहाँ से मंगवाते हैं? ये तो बनाता है, कारीगरी बनाता है, अच्छा इधर ही गाँव में, इसके नीचे दो मंदिर आसमान रखने में काम आता है। ये देखो जी इनका एक पतंग, इतनी बड़ी पतंग वहाँ पर, भाई साहब ये क्या करते हैं भैया, उड़ाते हैं इसको, भाई साहब ओहो भाई साहब का स्वैग देखो आप, ओहो उड़ा लेते हैं, पकड़ो मैं थोड़ा फिर देता हूँ आपको। बस जी बढ़िया, अपना बताइए आपका। उसी हम भी गांव से ही आते हैं, बिहार के गांव से हैं, पंजाब का गांव देखना चाह रहे हैं कैसा है। स्पेशल शुद्ध दूध, इसकी भैंस की है गाय की है दूध जे है, ये दोनों के मिक्स है, दोनों की मिक्स है, अच्छा अल्लाह याद आप क्या बैठ गई है जी चूल्हे के पास, क्या कर रही है, आग सेक रही है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सही है। यहाँ से आपको नजारा दिखाता हूँ जी गांव का, इनके छत पर आ गए हम, यहाँ पर एक कबूतर का वो घर, और इधर दिखाते हैं आपको, उधर गुरुद्वारा है जो आपको दिख रहा होगा अभी का, हाँ शाम का कीर्तन भजन जो भी चल रहा है। और यहाँ से जी वाघा बॉर्डर का जो आप देखते हैं जहाँ पर परेड चल रहा था, ये देखिए भारत का झंडा, उधर देखिए पाकिस्तान का झंडा, यहाँ से इतना नजदीक है तो एक अलग एक्सपीरियंस ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर आकर। हम लोग तो सिंपली आए थे कि वाघा बॉर्डर आएंगे, रिट्रीट सेरेमनी होता है, हम लोग देखेंगे और अपना चुपचाप निकल जाएंगे। मैं अचानक से ध्यान आया, किसी ने बोला था कि आप जो है आसपास के गांव में देख सकते हो, हम जो है इधर उधर घूम करके देख रहे थे कि आसपास के गांव में अगर हमें जगह मिल जाए तो आसपास का गांव भी घूम लेंगे। तो उधर तो आप देखते हैं पाजी को मनीष से अभी बात कर रहे हैं, वो कहे कि आपको आसपास घूमना है कुछ, ने कहा कि हाँ घूमना तो है, लेकिन हमें लग रहा था पता नहीं भरोसा करने लायक है कि नहीं, लेकिन थोड़ी देर बातचीत की तो मुझे लगा कि नहीं लगता है आदमी थोड़ा जेन्यून है, तो हमने बात की पैसे की, उन्होंने कहा कि जो आपकी स्वेच्छा से हो आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी बन पड़ता है अपनी तरफ से जरूर देंगे इनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। हमारा बहुत मन था कि पंजाब के किसी गांव में जाए, वहां का कल्चर देखे, रहन सहन देखे, अपने गांव का तो सब कुछ देखा ही हुआ है,
एक बार पंजाब का देखते हैं। और वहाँ भी खास इसलिए हो गया जी क्योंकि हम एक बॉर्डर किनारे हैं, ठीक यहाँ से कुछ दूरी पर फेंसिंग मिल जाएगा आपको इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसका। यहाँ पे खा रहे हैं और बिल्कुल जी यहाँ का खा रहे हैं लोकल खाना। हाँ। ये है जी आलू और गाजर की सब्जी। हाँ। और ये अंडा भुर्जी। हाँ। और अभी रोटी हम खा चुके हैं। हाँ। और ये चावल मजा आ गया जी, बहुत ही टेस्टी था ना। बिल्कुल जी एकदम घर का बनाया हुआ चावल है, घर का बना हुआ, खेती का, घर की खेती होती है ना, जो खेती होती है उसका जो उगाया गया था वो दाल है। ओके जी। और उसके बाद जो ये देख रहे हैं अंडा भुर्जी, ये अंडा इनके घर की मुर्गी का है, ये पोल्ट्री वाला नहीं है, तो शुद्ध है देसी का अंडा। मजा ले रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमें शक्कर मिला है खाने के लिए क्योंकि जिया को थोड़ा सा तीखा लग गया। कैन का बना हुआ है जो रियल शक्कर है। अच्छा, ये देख सकते हैं अपने इधर का थोड़ा अलग होता है, इधर का अलग है। बिल्कुल जी, तो बहुत ही मजा आ रहा है जी, एक लोकल कल्चर मेरा मन था कि पंजाब में एक बार आए। हमेशा मन रहता है ना कि थोड़ा लोकल टूर करें, बिल्कुल लोकल आदमी से मिले, लोकल आदमी से बातें करें, कैसे होते हैं वो। तो आज वह सफल हो गया जी। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और जब हम वीर दारा की मूवी देखे थे उसी समय सोच रहे थे पंजाब के किसी गाँव में जाएंगे, वहाँ का कल्चर देखेंगे आखिर क्या है, वो आज हमने देख लिया। उठे हैं कुछ देर पहले, अभी बज रहे हैं सुबह 6:30 और अभी का जो माहौल है गाँव का आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं एकदम खेत खलिहान, अभी उठे हैं, उसके बाद अभी पीने जा रहे हैं चाय। चाय पी करके हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकल जाए अब, क्योंकि यहाँ पर धुंध है नहीं, तो धुंध रहती तो कोई बात थी तो हम लोग थोड़ा लेट से निकलते। लेकिन भाई साहब यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका नाम है हरमन, हरमन भाई साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है 9-10 बजे निकलना, थोड़ा सा और घुमा देते हैं आपको गाँव। लेकिन हमने कहा कि जी हरमन भाई हम तो अच्छा खासा घूम ही चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी कोना है जो आपने नहीं दिखाया है। लेकिन उनकी इच्छा है कि थोड़ा सा रुक करके जाए, खाना पीना खा करके जाए। लेकिन जी हम चाह रहे हैं कि इतनी यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाएंगे उतना जल्दी हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ का सफ़र होने वाला है 8 घंटे का। तो अभी 7 बजे अगर निकलेंगे तो 5, 3, 8 मतलब 3 बजे 4 बजे के करीब आराम से हम लोग दिल्ली घुस जाएंगे। तो आराम भी कर लेंगे और जो मेरा काम बचा हुआ है वो काम भी कर लेंगे। और अगर हम यहाँ लेट से निकले तो काम भी नहीं हो पाएगा जो काम मुझे करना था। तो देखिए जी क्या होता है, उनसे गुजारिश करते हैं कि अब हमको विदा करें, अब हम लोग अपने घर निकलते हैं। तो कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। नींद आई रात में? नींद आई रात में? ऐसी नींद आई कि अभी खुली है। यहाँ पर आ गया जी हमारा सुबह सुबह गरम गरम चाय और उधर बिस्किट। यहाँ चाय में कुछ और भी मिलता है क्या? कुछ अलग तरह का टेस्ट लग रहा है। हाँ, गुड़ मिलाते हैं। गुड़ मिलाते हैं? अच्छा, गुड़ वाली चाय है। गुड़ वाली चाय होती है, अदकर वाली, क्या क्या डालते हैं इसमें, सौंफ, इलायची, अदरक, सौंफ, सारा कुछ मिलाकर एक मसाला होता है वो भी डाल देते हैं, वो सारा कंबाइन होता है मिक्स। कई शौक से पीते हैं चाय पंजाब की। अपनी अपनी अपने अपने मतलब देश तो बहुत बड़े होते हैं जो होते हैं, मतलब सिटी अलग अलग टेस्ट होता है सभी। तो फाइनली जी अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, हरमन भाई साहब को हमने मना लिया है। हरमन भाई साहब कह रहे थे नहीं 2 रोटी खा के ही जानी है आपको, लेकिन हमें थोड़ा लेट हो जाएगा तो समय ज्यादा है नहीं, चाह रहे जितनी जल्दी दिल्ली पहुंच जाए और अपने काम पर लग जाए। तो चल रहे हैं जी, और हमारा जो यहाँ सफर रहा जी, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी रहे, हम किसी और की फैमिली में आए, अच्छा लग रहा था अपनी फैमिली। बिल्कुल जी, और हम जो सोच रहे थे कि पंजाब के किसी एक गांव में रहेंगे कभी और वहां का कल्चर देखेंगे, बहुत शौक था ना कि पंजाबी फैमिली के साथ कभी रहनी है मुझे। हाँ जी, तो वो शौक हमारा आज पूरा हो गया और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अब विदा लेते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर मैं तो आता हूँ, सर को बोलता हूँ कि नेक्स्ट टाइम फिर आना, ठीक है ना। काफी अच्छा लगा, हमें भी इतनी दूर से आप कुछ देखने के लिए आए हैं, देखा घूमा फिरा, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगता है जब कोई टूरिस्ट आता है ऐसे घूमने फिरने के लिए, ठीक है। बाकी भाई का चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए जी, भाई साहब ने कहीं दिया, हम निकलते हैं यहाँ से। फाइनली जी हम लोग गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से अब निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। बीच रास्ते में कहीं पर खाने के लिए रुकेंगे, लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं कि जितना आगे तक जा सके उतना आगे तक जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं पर अपना एक ब्रेक ले लेंगे और वहाँ पर अपना कुछ नाश्ता पानी कर लेंगे। आसपास का नजारा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए खेत खलिहान के बीच से हम लोग निकल रहे हैं। अभी हम लोग बीच रास्ते में रुक गए हैं, सोचा कि थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए। तो हम लोग जी यहाँ पर पी रहे हैं जूस। हाँ जी, बीच रास्ते में पी रहे हैं जूस और यहाँ पर संतरा लेते हैं, काफ़ी सस्ता दे रहा है, 100 रुपये में 3 किलो। लेकिन संतरा जो हम लोग जा कर के देख रहे थे
क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए हमने नहीं लिया। हम सिर्फ यहाँ जूस पियेंगे, जूस पी करके यहाँ से निकल लेंगे, आगे देखते हैं खाने का कुछ हो। सोच रहे हैं कि दिल्ली जितनी जल्दी पहुँच जाए उतना अच्छा है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेना है। तो कैसा लगा, मजा आया? जी प्लान में एक बदलाव आया है। हम लोग निकलने वाले थे सीधा दिल्ली, लेकिन अब दिल्ली नहीं जा रहे हम लोग, सबसे पहले जा रहे मनसा देवी। जी हाँ, मनसा देवी मंदिर है पंचकुला में, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। हम लोगों ने कुछ मन्नत मांग रखी थी, वो पूरा हो गया है कि चलो एक बार उस मंदिर को तो जाना है ही, वहाँ पर धन्यवाद करने के लिए। कुछ मांगना है, एक चीज तो पूरा कर दिया, और कुछ मांगने जा रहे हैं, देखते हैं वो पूरा होता है कि नहीं। जब वो पूरा होगा, विश्वास है जी पूरा होगा, जब वो पूरा होगा तो फिर आएंगे मनसा देवी। घुस गए मनसा देवी मंदिर के अंदर और जाते हैं अंदर दर्शन करते हैं। मंदिर में हमने तो यहाँ कर लिया दर्शन और यहाँ पर पूजा हो गई, और माता को धन्यवाद भी कहा कि जो मन्नत आपसे मांग रखा था हमने, अपने वो पूरा कर दिया, वो भी बहुत जल्दी पूरा कर दिया आपने। देखिए और कुछ भले लेट आए लेकिन पूरा बहुत जल्दी कर दिया। बिल्कुल जी, और भी कुछ मांग रखा है, देखते हैं माता कब पूरा करती है। माता पर विश्वास है, शायद जल्दी पूरा करे, जब पूरा होगा फिर आएंगे जी।